राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम लंका में हनुमान भाग 1। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे, हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र ये देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए। प्रणाम पिताश्री। पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कस कर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वो आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए, कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत तरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चीत्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें तहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई
समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुनहरा चमकता हुआ। वो जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर लें, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। राम काज में वो मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वो कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। वो हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिहिंका था, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वो अचानक आसमान में ठहर गई। क्रुद्ध हनुमान ने सिहिंका को मार डाला। आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर, लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वो लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे, राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वो उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वो सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना
हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में ये काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वो नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वो चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। ना जाने सीता को कहां छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता ना था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वो दुखी हो गए। सोचने लगे, जय श्री राम, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। जय श्री राम। उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया, अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में
निराशा घर करती जा रही थी। वो एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। दिन चढ़ आया था। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था। वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थीं। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वो पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। जय श्री राम, यही मां सीता है। उन्होंने मन में सोचा, उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था। स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा। राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा? उन्होंने सोचा, नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए। सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं टिकी। वो डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी। तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल
दो महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। ये रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, विजय सिन्हा, हर्ष बाला, राजश्री त्रिवेदी, सुनील लोहिया और जैमिनी कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।